नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में अपन ने रायमल के बारे में पढ़ा और रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और महाराणा संग्राम सिंह के बारे में जाना। बात करते हैं महाराणा संग्राम सिंह के। महाराणा संग्राम सिंह अपने भाइयों के प्रहार से बचकर अजमेर पहुँचे थे। भाइयों की मृत्यु होने के बाद मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त की और भविष्यवाणी सही साबित हुई। बात करते हैं जब महाराणा सांगा शासक बने, उस समय भारत में क्या क्या परिस्थितियां थी। महाराणा सांगा 1509 से 1528 तक शासक रहे हैं। इस समय अगर अपन भारत की बात करें, राजस्थान की तुलना में भारत की क्या परिस्थितियां हैं उनकी अपन बात करते हैं। मेवाड़ के शासक तो हैं सांगा। इस समय इनके समकालीन बात करें अपन दिल्ली की, तो दिल्ली का शासक कौन है? दिल्ली का शासक है सिकंदर लोदी और इसके बाद शासक बना इब्राहिम लोदी। इधर अपन गुजरात की बात करें तो गुजरात का शासक महमूद शाह बेगड़ा और इसके बाद इसका पुत्र मुजफ्फर शाह सेकंड, ये शासक थे गुजरात के। इधर अपन बात करें, एक रियासत हुआ करती थी मालवा, तो मालवा का शासक पहले तो था नासिर शाह खिलजी, इसके बाद शासक बना महमूद खिलजी सेकंड। इधर अपन बात करें, एक दुर्ग पड़ता है गागरौन, या रियासत की अपन बात करें, इस रियासत पर चंदेरी का ये अपना अधिकार समझता था, गागरौन जो रियासत थी। तो देखो अपन बात कर रहे हैं महाराणा सांगा के समकालीन भारत में जो परिस्थितियां रही, एक डायग्राम के माध्यम से अपन समझेंगे इसको, कि जब मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा 1509 से लेकर 1528 तक, तो इस समय भारत में क्या क्या परिस्थितियां थी। कि दिल्ली का शासक तो था सिकंदर लोदी, लेकिन सिकंदर लोदी ने कभी भी मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसका पुत्र 1517 में शासक बनता है तो इनके द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया जाता है। फिर बात करें अपन गागरौन पर अधिकार समझता था मेदिनी राय, ये जो सांगा का मित्र था। मालवा की बात करें, इस समय नासिर शाह खिलजी, फिर इसके बाद जब शासक सांगा थे तब शासक बना महमूद खिलजी दित्य, ये दोनों ही समकालीन हैं। और गुजरात का शासक भी महमूद शाह बेगड़ा और फिर इसका पुत्र मुजफ्फर शाह दित्य। ये है सांगा की समकालीन परिस्थितियाँ भारत की, कि किस प्रकार इन परिस्थितियों ने सांगा को या सांगा के द्वारा जो युद्ध हुए हैं उनको प्रभावित किया। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन दिल्ली रियासत को लेकर, कि दिल्ली रियासत में क्या हुआ। अगर हम इसमें बात करें कि दिल्ली रियासत में सबसे पहले आक्रमण दिल्ली रियासत में, तो दिल्ली रियासत में आक्रमण किसके द्वारा? सिकंदर लोदी द्वारा कोई आक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन इब्राहिम लोदी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया है। बात करते हैं कौन सा युद्ध हुआ, बात करें अपन खातोली का युद्ध, और खातोली का युद्ध कहाँ लड़ा गया है? बूंदी में। खातोली का युद्ध बूंदी कब हुआ है? 1517 में। ये किस किस के बीच में हुआ है? राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी,
ये किस किस के मध्य हुआ है? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। कौन सा युद्ध हुआ है? खातोली का युद्ध। खातोली का मैदान कहाँ पड़ता है? बूंदी में। तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है। ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी भारत का दिल्ली का शासक है, लेकिन महाराणा सांगा जैसे वीर शक्तिशाली इसके सामने इसको पराजय का सामना करना पड़ता है। ये पराजय को बर्दाश्त नहीं कर पाता और पुनः अपनी सेना को भेजता है। अब दूसरे युद्ध में ये स्वयं नहीं आता है, अपने दो सेनापतियों के माध्यम से आक्रमण करता है। तो उसकी अपन बात करें, ये जो दूसरा युद्ध हुआ था बांडी का युद्ध, और बांडी का युद्ध हुआ है धौलपुर में 1518 और 1519 ईस्वी में। ये युद्ध भी किसके मध्य? राणा सांगा वर्सेज, इसमें देखो इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं आता है, किसको भेजता है? मियां मक्कन और मियां हुसैन को। लेकिन ये दोनों कौन है? ये दोनों आते हैं सिकंदर लोदी के सेनापति, सिकंदर लोदी के सेनापति। ये दोनों कौन आते हैं? सिकंदर लोदी के सेनापति। और इन दोनों को भी पराजय का सामना करना पड़ता है। ये दोनों भी पराजित हुए हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि पराजय का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले अपन ने बात की इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने दो बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण हुआ 1517 में खातोली के मैदान में, जहां दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा। इब्राहिम लोदी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने दो सेनापति मियां मक्कन और मियां हुसैन के नेतृत्व में सेना भेजी। लेकिन यहाँ भी सिकंदर को पराजय का सामना करना पड़ा। ये दोनों सेनापति पराजित हो गए हैं, मियां मक्कन और मियां हुसैन। ये ध्यान रखना, कौन से युद्ध में पराजित हुए हैं? बांडी के युद्ध धौलपुर में पराजित हुए हैं। अब अपन बात करें नेक्स्ट अपन बात करें, एक युद्ध और होगा जिसको कहा जाता है गागरोण का युद्ध। ये हुआ है 1519 में। गागरोण का मैदान कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। अब देखिए, जो गागरोण का दुर्ग था उसके ऊपर चंदेरी एक गुजरात में रियासत पड़ती है, उसका शासक था मेदिनी राय। मेदिनी राय द्वारा गागरोण के दुर्ग पर अधिकार कर रखा था और वह सांगा का मित्र था। ध्यान रखना, मेदिनी राय क्या था? सांगा का मित्र था। और इधर मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वित्य ये भी अपना अधिकार गागरोण के किले पर समझता था। तो सीधी सी बात थी, अब दोनों के बीच में युद्ध होना संभव था, युद्ध होना आवश्यक था। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या करते थे कि अपने आप को गागरोण के किले पर अधिकार मानते थे। तो इसलिए महाराणा सांगा का मित्र होने के कारण ये गागरोण के युद्ध में सीधी सी बात है किसके ऊपर आक्रमण करेंगे? महमूद खिलजी के ऊपर आक्रमण करेंगे। तो ध्यान रखना, गागरोण का युद्ध झालावाड़ में हुआ है, किस किस के बीच में हुआ है? राणा सांगा और किस किस के बीच में? महमूद खिलजी सेकंड के बीच में। ये महमूद खिलजी को पराजित करते हैं, इनके द्वारा महमूद खिलजी को पराजित किया। ध्यान रखना, गागरोण के युद्ध में राणा सांगा ने किसकी मदद की थी? अपने मित्र मेदिनी राय की मदद करने आए थे, और महमूद खिलजी जो मालवा के शासक हैं इनको पराजित करते हैं। एक बात हम और करेंगे यहाँ इम्पोर्टेंट, कि अब से पहले क्या हो रहा है? अब से पहले मेवाड़ में जितने भी आक्रमण हुए हैं वो सामने वाले शासकों द्वारा किए गए हैं, और मेवाड़ के शासकों ने स्वयं यहाँ पर केवल रक्षात्मक नीति अपनाई है। वहीं हम बात करें इस युद्ध में राणा सांगा स्वयं अपने मित्र की सहायता करने गए हैं, अर्थात मेवाड़ द्वारा आक्रामक नीति अपनाई गई है, रक्षात्मक नीति के स्थान पर आक्रामक नीति अपनाई गई है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ है? मेवाड़ में रक्षात्मक के स्थान पर कौन सी नीति अपनाई गई है? आक्रामक नीति अपनाई गई है।
मेवाड़ में रक्षात्मक के स्थान पर आक्रामक नीति अपनाई गई है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद मेवाड़ के शासकों द्वारा रक्षात्मक के स्थान पर आक्रामक नीति अपनाई गई है, तो वो कौन सा युद्ध है? गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध कहाँ पर हुआ है? झालावाड़। किसके लिए सहयोग करने गए थे? अपने मित्र मेदिनी राय का सहयोग करने गए थे। और किसको पराजित किया? महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। आगे बढ़ते हैं अपन कि इधर इब्राहिम लोदी दो बार पराजित हो चुका है महाराणा सांगा से। तो इब्राहिम लोदी की अगर अपन बात करें तो पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोदी। और एक इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां लोदी। किसका चाचा? इब्राहिम लोदी का चाचा। चाचा का क्या नाम था? आलम खां लोदी। देखिए, पंजाब का सूबेदार कौन? दौलत खां लोदी। और इधर इब्राहिम लोदी का चाचा कौन? आलम खां लोदी। इन्होंने बार बार इब्राहिम लोदी की पराजय को देखते हुए बाबर को भारत आक्रमण का निमंत्रण दिया। ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया? बाबर को निमंत्रण भेजा या आमंत्रण भेजा, क्या करने के लिए? भारत पर आक्रमण करने के लिए या सिकंदर लोदी पर आक्रमण, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए। तो देखिए क्या कह रहा हूं मैं कि पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी द्वारा क्या किया गया? मुगल शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया। तो इन्हीं के आमंत्रण पर बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो अब हम बात करते हैं भारत के ऊपर बाबर की पहली विजय। बात करते हैं 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। कौन सा युद्ध लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। ध्यान रखना, ये युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना कर दी थी। तो किस किस के बीच में लड़ा गया? तो ध्यान रखना, एक तो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। और इधर दिल्ली का शासक कौन था इब्राहिम लोदी। बाबर के आक्रमण में इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। और जब ये युद्ध भूमि में मारा गया तो ध्यान रखना, सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया। ध्यान रखना, 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार गया। ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में हार गया और युद्ध भूमि में मारा गया। तो सल्तनत काल का प्रथम शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया था। इधर बाबर विजयी हुआ और 1526 ईस्वी में मुगल सत्ता की स्थापना कर दी, या मुगल वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। भारत में प्रथम बार बारूद का प्रयोग भी कौन से युद्ध में हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इस बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बाबर के द्वारा किया गया। तो देखिए, बात करते हैं 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है बाबर और किसके मध्य? इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ है और भारत में मुगलिया सत्ता की स्थापना हो चुकी है, और यहाँ पर बाबर द्वारा बारूद का प्रयोग किया गया है। इसमें बात करें हम, इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया और सल्तनत काल का पहला शासक जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया। अब बात करते हैं कि महाराणा सांगा के और बाबर के बीच में क्या मतभेद थे। तो यूँ कहते हैं कि बाबर जब भारत आया तो महाराणा सांगा से उसने सहायता मांगी और महाराणा सांगा द्वारा उसको सहायता का आश्वासन दिया गया, लेकिन महाराणा सांगा युद्ध भूमि में नहीं पहुँचे। तो कहते हैं कि बाबर ने इस बात का बदला लेने के लिए सांगा के ऊपर आक्रमण किया। तो बात करते हैं बाबर और सांगा के बीच में हुए युद्धों की।
तो देखिए, बात करें हम सबसे पहले अपन बात करते हैं बयाना का युद्ध कब हुआ है। 16 फरवरी 1527। बयाना का मैदान महत्वपूर्ण कहाँ पड़ता है? बयाना का मैदान पड़ता है भरतपुर में। कि बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 में हुआ है, भरतपुर में हुआ है। किस किस के मध्य हुआ? बाबर और किसके बीच में? राणा सांगा के मध्य, राणा सांगा के मध्य। तो ध्यान रखना, इसमें महाराणा सांगा विजयी हो गए। इसमें क्या हुए? महाराणा सांगा विजयी हुए। देखिए हुआ क्या कि बाबर द्वारा युद्ध भूमि में तोपें तैनात की गई और उन तोपों को रस्सियों के माध्यम से बांधा गया था। लेकिन जब सांगा की सेना का तीव्र आक्रमण हुआ और सेना द्वारा उन रस्सियों को काट दिया गया, जिससे तोपों के मुंह नीचे की तरफ झुक गए, तो जिसके कारण तोपों का कोई उपयोग नहीं हो पाया। और इतना तीव्र आक्रमण था कि बाबर की सेना में भगदड़ मच गई और बाबर के सैनिकों ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। तो इस प्रकार इस युद्ध में राणा सांगा विजयी हुए। और राणा सांगा विजयी हुए इसके बाद बाबर ने पुनः तैयारियां की और खानवा के मैदान में दोनों का आमना सामना हुआ। तो दोस्तों, खानवा के युद्ध के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना, जिसमें सांगा और सांगा की जो महत्वपूर्ण विजय हैं उनके विषय में बात हुई है। और जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें अपन बात करेंगे सांगा से संबंधित, जो खानवा का युद्ध है उससे। धन्यवाद।